बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास, एक्सरसाइज नंबर 6.2 हमने शुरू की थी, जिसके पहले 7 क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 8 हमने करना है, और 8 की स्टेटमेंट देखें, व्हाट रैशनल एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, हमने वो एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि जिसको 2x² plus 2x minus 7 over x² plus x minus 6 में से आप माइनस कर दें तो आंसर x minus 1 over x minus 2 आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन is equals to a। मैंने लेट कर दिया कि जो एक्सप्रेशन मांगा गया है, रिक्वायर्ड है, वो कैपिटल a है। तो हम सॉल्व करते हैं, माइनस किस में से करना था, माइनस करना था इसको 2x² plus 2x minus 7 divided by x² plus x माइनस 6 में से, और a को माइनस करना था और हमें आंसर मिलना था x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। स्टेटमेंट को समझे कि व्हाट रैशनल एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x² plus 2x minus 7 ओवर x² plus x minus 6 टू गेट, मीन आंसर आएगा x plus x minus 1 ओवर x minus 2। तो इस पहले एक्सप्रेशन में से हमने a को माइनस किया और आंसर लिख दिया x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, a फाइंड करना है, नेगेटिव में है ये, तो इसको हम राइट साइड पर ले जाते हैं, ये a पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि ये वाला x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 है, ये पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पर आकर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कुछ ये इस तरह से बनेगा, 2x² plus 2x minus 7 divided by x² plus x minus 6 minus x minus 1 over x minus 2 is equals to a। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर देता हूं, आप देखिए 2x² plus 2x minus 7 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो डेफिनेटली 2x² को minus 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो minus 14x² बनता है, तो इसकी फैक्टराइजेशन में दरमियान में 2x की जगह पर, सॉरी दरमियान वाली टर्म में 2x है, तो 2x की जगह पे दो टर्म्स ऐसी आनी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 14 बने और प्लस करने से 2 बने। तो आप देखें कोई भी दो नंबर ऐसे नहीं है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 14 आए और प्लस या माइनस करने से 2 आए। तो इट मीन्स ये जो न्यूमिरेटर में एक्सप्रेशन है इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, दैट इज 2x² प्लस 2x माइनस 7 प्लस x माइनस 6। इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, x² और माइनस 6 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x² बनता है, दरमियान में एक x आना चाहिए यानी 1 आना चाहिए, तो आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 होता है और 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 बन जाता है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, x² पॉजिटिव x चाहिए तो प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a। मजीद इसकी इसको करें हम, न्यूमरेटर तो एज इट इज आएगा डिवाइडेड बाय, अब x² और प्लस 3x में से x कॉमन आएगा, बकिया बचा x प्लस 3, माइनस 2x और माइनस 6 में से माइनस 2 हम कॉमन ले लेते हैं, बकिया बचा x प्लस 3 माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a। ठीक
ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट में क्या बनता है, नेक्स्ट में अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में x प्लस थ्री आ गया कॉमन, बचा रह गया x माइनस टू। तो मैं इसको लिखता हूं नेक्स्ट पेज में 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, और नीचे क्या था डिनोमिनेटर में x प्लस थ्री कॉमन है और साथ में x माइनस टू, x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, साथ में माइनस क्या हो रहा था x माइनस वन ओवर x माइनस टू था जी, x माइनस वन ओवर x माइनस टू। अब आप यहां पे देखें दो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई, इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, x माइनस टू दोनों के डिनोमिनेटर में है तो ये एज अ कॉमन फैक्टर आ गया, x प्लस थ्री सिर्फ एक में है ये नॉन कॉमन फैक्टर के तौर पर हमने यहां पे लिख दिया। अब फर्स्ट फ्रैक्शन जो है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 ओवर x प्लस 3 इनटू x माइनस 2, तो इसमें x माइनस 2 x प्लस 3 कट जाएंगे, जस्ट हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 माइनस, अब ऊपर न्यूमरेटर में x माइनस 1 है, देखते हैं एलसीएम की कौन सी चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होती है। तो आप देखें x माइनस 2 और x माइनस 2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन को एलसीएम के साथ तो x माइनस 2 कट जाएगा, बकिया रह गया सिर्फ x प्लस 3, तो x प्लस 3 जो है ये अब x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 माइनस, अब इनको आप मल्टीप्लाई करें x माइनस 1 और x प्लस 3 को, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 3। यहां पर जो मैंने मल्टीप्लीकेशन की है x माइनस 1 और x प्लस 3 की, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, फॉर्मूला होता है x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी, और हमारे पास था x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 सॉरी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 यही था x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 जी। तो आप देखें x है ये a है ये b है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस, बाद में आ रहा है a प्लस b इंटू x, a की जगह पे माइनस 1 है b की जगह पर प्लस 3 है इंटू एक्स प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है a और b, a की जगह पर माइनस 1 और b की जगह पर 3, तो ये आ गया x स्क्वायर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 होता है पॉजिटिव, तो 2x आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पे लिखा था x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यही हमारे पास यहां पे आया और यही तरह से। अगर आपको ये फॉर्मूला फिर भी मुश्किल लगे तो डायरेक्ट आप जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वैसे ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो दरमियान में माइनस का साइन है ये वाला, इसकी वजह से ये जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। इसको सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तमाम साइन चेंज हो गए, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a। अब आप जरा देखिए इसको गौर से, तो ये 2x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बना 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होता है,
तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट में ये पॉजिटिव 2x और ये नेगेटिव 2x कट जाते हैं, ये माइनस सेवन और ये प्लस थ्री, तो माइनस सेवन प्लस थ्री कितना आएगा माइनस फोर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ए। अब यहां पे देखिए ये जो लास्ट में हमने स्टेप लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस फोर का, जो कि क्या बनेगा जस्ट अ मिनट ये मैं जरा इसको ठीक कर लूं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू। ठीक है, तो हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर माइनस फोर था, जिसको मैंने आपको बताया भी कि हम लिखेंगे एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। तो यहां पे देखिए x माइनस टू न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कट गया, हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो आ गया x प्लस टू डिवाइडेड बाय x प्लस थ्री, ये आ गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।